हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइस, जैसा आपको मालूम है कि मैं एनएमआर लेक्चर सीरीज शुरू कर चुका हूँ। इससे पहले के जितने भी वीडियोस थे मैंने सब वो इंग्लिश में बनाए हुए हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली एनएमआर, सारे वीडियो मैंने लगभग इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाए हैं। लेकिन आप लोगों में से कई सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आ रही है कि इसको वीडियोज थोड़े हिंदी में बनाएं ताकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम समझ सकें। या ये भी हो सकता है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंग्लिश में शायद बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि इससे पहले एक वीडियो और मैं हिंदी में बना चुका हूँ और उस पर कोई कमेंट तो किसी का आया नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए क्योंकि आपके रिक्वेस्ट है तो मैं इस वीडियो को हिंदी में शूट कर रहा हूँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये एक्सप्लेनेशन पहले से बेटर है या नहीं है। और इससे पहले जैसा कि आपको पता है 5 लेक्चर मैं एनएमआर में बना चुका हूँ, ये मेरा 6ठा लेक्चर है। और इस लेक्चर में मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो आपसे केमिकल शिफ्ट और फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, इस पे बात करूंगा। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट की डिटेल में तो बाद में आएंगे, पहले आप समझें कि एनएमआर जो ग्राफ होता है या जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है उसको कैसे समझ सकते हैं। तो एक ये यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल मिथेनॉल मॉलिक्यूल है, ये कार्बन है और इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन ये दिखाए गए हैं और एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका हाइड्रोजन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं, हालांकि इसको दिखाया नहीं गया, एनएमआर का जो ग्राफ होता है वो डेल्टा स्केल में होता है जिसकी वैल्यू पार्ट्स पर मिलियन में होती है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाना चाहूँ तो ये वाला सिग्नल जो है ये 0 ppm पे होगा, ये पार्ट्स पर मिलियन में होता है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं बाद में सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, और मान लीजिए फिर उसके बाद आपका यहाँ कहीं पर ये 1 ppm है। ठीक है, फिर ये 2 ppm है, ऐसे ही आगे चलते रहिए, जैसे ये 3 ppm है तो ये स्केल लगभग 12 ppm तक जाता है। ठीक है, और ये पार्ट्स पर मिलियन में वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मेरे को 3 सिग्नल दिख रहे हैं। एक सिग्नल तो ये है जो बहुत छोटा सा है जो कि 0 ppm पे है, और दूसरा सिग्नल जो है ये वाले जो 3 हाइड्रोजन है ये इनका सिग्नल है, और एक ये छोटा सा सिग्नल और इसके बगल में ये इसका सिग्नल है। यहाँ पे आप देखें अ फील्ड या मोर शील्डेड लिखा हुआ है, यहाँ पे लेस शील्ड और डाउन फील्ड लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है आप ये बात समझिए। तो सबसे पहले तो आप ये जाने कि अगर कहीं पे डी शील्डिंग होगी, इसे अगर यहाँ पे डी शील्ड लिखा हुआ है, डी शील्ड, सो डी शील्ड का मतलब है डाउन फील्ड सिग्नल का मतलब क्या, देखिए जितने भी सिग्नल ये 0 के आसपास होते हैं ये सारे के सारे अपफील्ड सिग्नल होते हैं, यानी कि हायर वैल्यू पीपीएम पे 1, 2, 3 यहां पे जो भी आएंगे वो आपके अपफील्ड सिग्नल होंगे, और इधर की तरफ जो आएंगे ये डाउनफील्ड सिग्नल होंगे। लेकिन बात ये आती है कि अपफील्ड और डाउनफील्ड इसमें रिलेटिव होता है। एनएमआर में क्योंकि एब्सोल्यूट टाइप की कुछ चीज नहीं होती है, हमेशा हम रिलेटिव सिग्नल देखते हैं, तो हम 2 सिग्नल्स को सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा अपफील्ड है कौन सा डाउनफील्ड है। तो अगर मैं ये 2 सिग्नल कंपेयर करूं CH3 का और H का, तो ये वाला सिग्नल अपफील्ड है क्योंकि ये 0 के क्लोज है, और ये वाला सिग्नल डाउनफील्ड है क्योंकि ये 0 से दूर है। तो रिलेटिविटी अगर इनकी देखें, रिलेटिव अगर पोजिशन देखें एनएमआर चार्ट में, तो ये वाला अपफील्ड ये वाला डाउनफील्ड। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, हाई होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे बहुत ज्यादा होगी, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी लो बीजोर होगी। तो लो का मतलब यहां पर कोई सिग्नल आएगा तो ये सिग्नल लो की तरफ आने वाले अक्सर डी शील्ड होते हैं। ठीक है, और डी शील्ड होते हैं इसीलिए ये डाउन फील्ड भी आते हैं। तो इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा कि डी शील्डिंग कैसे होती है, शील्डिंग कैसे होती है, ये चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, तो इधर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अपफील्ड सिग्नल हाई फील्ड हाई मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ को लो मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो आप सिर्फ इतनी बात समझें, इसके बाद ये केमिकल शिफ्ट क्यों डेल्टा में, ये पीपीएम में आती है, क्यों आती है, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, और लेकिन देखिए ये जो 2 सिग्नल है ये तो एक्सप्लेन कर दिए CH3 और H का है, ये सिग्नल 0 पे जो है हमने ये डिफाइन नहीं किया है, ये सिग्नल किस चीज का है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये सिग्नल होता है TMS का, इसको बोलते हैं टेट्रामिथाइल सिलेन,
और ये आपके मॉलिक्यूल में एक इंटरनल स्टैंडर्ड की तरह ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इस सिग्नल की हम बात करते हैं अगर आपसे, तो ऐसे समझ सकते हैं इसको। देखिए, ये आपका टेट्रामिथाइल सिलेन है और ये बीच में सिलिकॉन होता है, चारों तरफ इसमें मिथाइल होते हैं। ये एक इंटरनल स्टैंडर्ड है और ये आपके सैंपल में डाला जाता है क्योंकि बाकी के जितने भी सिग्नल होते हैं आप इसके रिलेटिव देखते हैं। और इसकी जो ये जो प्रोटॉन्स हैं, जैसे 3, 3, 6, 3, 9, ये 12 प्रोटॉन टोटल इसमें नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ये आउट ऑफ स्केल है तो मैं इसको स्केल में ले लेता हूं ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो आपके हैं ये 12 प्रोटॉन है और इन 12 प्रोटॉन का सिग्नल जो होता है वो 0 ppm पे आता है, यहां पे जो मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, अब ये बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन ये इतना छोटा होता नहीं है, इसको हम कैलिब्रेट करके जीरो इतना मतलब छोटा कर लेते हैं, अदरवाइज इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर पीक अंडर द एरिया कैलकुलेट किया जाए, इसका इंटीग्रेशन किया जाए, तो क्योंकि पीक एरिया जो अब कैलकुलेट होता है वो इंटीग्रेशन से हो जाता है जो मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर है, तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन कैलिब्रेट करके हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब क्योंकि ये 12 प्रोटोन है तो इंटेंसिटी ठीक है, बहुत स्ट्रांग सिग्नल हमको इसका मिलता हुआ भी नजर आता है। और इसी के रिलेटिव हम बाकी सब सिग्नल्स को अपफील्ड या डाउनफील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये सिग्नल देखिए यहां पे हम क्या कह रहे हैं, जीरो पे आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ना ये जीरो पे आता नहीं है, ये जीरो पे नहीं, इसकी केमिकल शिफ्ट कुछ होती है। अब क्या होती है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको कैलिब्रेट करके जीरो पे ले आते हैं। ये सब कैलिब्रेशन है, टेक्नीशियन इस काम को करते हैं। अब बात आती है कि इसका ये प्रोटॉन्स का सिग्नल क्यों ये जीरो पे आ रहा है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप सिलिकॉन और कार्बन को कंपेयर करें, राइट, तो कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये साइन में इंक्रीजिंग बना रहा हूं, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, देखिए यहां पे मान लीजिए ये सिलिकॉन था, तो मैं एक ही बना रहा हूं सिर्फ वाला, ये वाला, और ये तीन हाइड्रोजन्स है, ये तीन हाइड्रोजन्स है। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास रहेंगे, ठीक है, ये सब रहेंगे कार्बन के पास। और यहां से मैं आपको एक बात बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये भी जब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में घूमते हैं लाइक प्रोटॉन, तो ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरली अपोज करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को लगा हुआ है एक्सटर्नल वाला, तो जो ये सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ये अपोज करते हैं इसका, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि ये सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर ये अपोज कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है शील्डिंग। अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसा है, लेकिन अगर ये सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है डी शील्डिंग, ये आप समझे, ठीक है। तो टीएमएस के केस में क्या होता है कि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहां आती है ये इन प्रोटॉन्स को क्या करती है, ये बहुत ज्यादा शील्ड कर लेती है। शील्ड करने का मतलब है कि जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन इनके मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रॉन्स के, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करती है। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये प्रोटॉन रेजोनेट करवाने थे, इनका हमने रेजोनेंस करवाना है अल्फा टू बीटा बीटा टू अल्फा, ताकि जिससे हमें सिग्नल मिल सके, वो सारी प्रोसेस मैं पहले बता चुका हूं। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को अपनी स्ट्रेंथ लगानी है। अब देखिए क्या है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की, ये जीरो पे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लो है। अब हुआ क्या था कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था बी जीरो, उसका अपोज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग जो कि कार्बन के पास थे, ठीक है। तो इसको क्या होगा, अंदर से जितना मैग्नेटिक फील्ड इसको चाहिए था उससे बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड इसका अपोज कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अपनी बढ़ाएगा उसको रेजोनेंस कराने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते बढ़ाते इस डायरेक्शन में आएगी, तो यहां पे सिग्नल शिफ्ट होके 0 ppm पे आ जाएगा, तो इसको बोला जाता है शील्डिंग। तो याद रखेंगे, कभी भी शील्डिंग होगी तो सिग्नल अपफील्ड आएगा, और यहां पे देखिए शील्डिंग हो रही है जैसे कि मैंने कहा, और अगर डी शील्डिंग होगी तो सिग्नल इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से टीएमएस के प्रोटॉन्स का जो सिग्नल है, ये क्वेश्चन एमएससी में कई बार पूछा जाता है कि क्यों आता है जीरो पे, तो आप कह देंगे कि क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे होते हैं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये होता है कि बाकी के जितने भी सिग्नल हैं एनएमआर चार्ट में, वो इस टीएमएस के या तो डाउनफील्ड होंगे और या अपफील्ड होंगे, डाउनफील्ड और अपफील्ड,
तो ये तो लिखना खाली ठीक नहीं है कि सिर्फ अपफील्ड या डाउनफील्ड ही होंगे, क्योंकि देखिए सारे के सारे सिग्नल अगर डाउनफील्ड में कहता हूँ इसका मतलब सब जीरो के इधर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो उनके सिग्नल नेगेटिव में भी आती है, उनकी केमिकल शिफ्ट क्या होती है, -1 -2 इधर को भी जाती है। तो इस सिग्नल के रिगार्डिंग अगर नेगेटिव में जाते हैं तो ये अपफील्ड है, और इसके रिगार्डिंग अगर इधर आता है तो ये डाउनफील्ड है। ठीक है, तो ये डाउनफील्ड अपफील्ड दोनों हो सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे इस वाले पॉइंट को। अब थोड़ा सा और जानेंगे कि केमिकल शिफ्ट एक्चुअली में आप इसके अलावा, अच्छा इसमें जाने से पहले कुछ पॉइंट जो यहां पे मेंशन नहीं है मैं आपको बता दूं, ये टेट्रामिथाइल सिलेन एक इनर्ट कंपाउंड होता है। ठीक है, अगर इनर्ट है तो ये किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता। मान लीजिए आपका कोई मॉलिक्यूल था, वो मॉलिक्यूल अगर आप इसमें टेट्रामिथाइल सिलेन डालेंगे, अगर मान लीजिए दोनों रिएक्ट कर गए, आपका मॉलिक्यूल जो आपने लिया था वो और ये रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना दिया, और आपको एनालिसिस करना था इसका, लेकिन इनने रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना दिया, तब तो सारा मामला ही बेकार हो जाएगा, फिर तो एनएमआर का कोई यूज नहीं है। इसीलिए ये इनर्ट होता है, रिएक्शन नहीं करता, इसलिए भी इसको इंटरनल स्टैंडर्ड की तरह लिया जाता है। एक बात, दूसरी बात, अगर आप पीएच सिस्टम का चेंज करने, कई बार ऐसा हो सकता है ना कि जब आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं स्पेक्ट्रम लेने के लिए, तो पीएच एल्काइन रेंज में भी होता है, पीएच आपके एसिडिक रेंज में भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, तो पीएच का बहुत ज्यादा फर्क ये टेट्रामिथाइल का सिग्नल जो 0 ppm पे आता है उसकी केमिकल शिफ्ट पे कोई फर्क पीएच का नहीं पड़ता, इसलिए भी इसको लेते हैं। और साथ ही साथ टेम्परेचर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 0 पे ही आएगा। टेम्परेचर बढ़ा दें तब भी ये 0 के आसपास आपका फिक्स किया जा सकता है, टेम्परेचर कम कर दें तब भी फिक्स किया जा सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं इसके, जिस वजह से टेट्रामिथाइल सिलेन को इंटरनल स्टैंडर्ड लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए केमिकल शिफ्ट क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, ये पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम में ली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, केमिकल शिफ्ट को इसमें लिया जाता है। और केमिकल शिफ्ट की, अब ये इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसके लिए सीधे फॉर्मूला आ रहा है पीछे, अभी इसको मत देखें आप। तो केमिकल शिफ्ट वैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे बेंजीन है आपका, ये मैंने बेंजीन इधर बनाया हुआ है, राइट, इन दिस वे आई कैन ड्रॉ, एंड दिस बेंजीन वुड हैव से, इसके पास हाइड्रोजन है ना 6, तो इसका सिग्नल जो लगभग आता है ये 7.1 ppm के आसपास आता है। तो ये बिगनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट की भी है, अगर आपको 7 के आसपास कोई सिग्नल मिल रहा है और वो प्रोटोन 6 दिख रहे हैं या 5 या 4 दिख रहे हैं, तो बेंजीन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसमें होगी। तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट 60 MHz का है, मेगाहर्ट्ज को आप टेस्ला में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैंने पिछली क्लासेस में बताया भी है। ठीक है, अगर आप 100 MHz की मशीन में करेंगे तब भी ये इतने पे आएगा, और 300 MHz की मशीन में भी करेंगे तब भी इतने पे आएगा। तो कोई भी स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रिक्वेंसी हो तो हमेशा जिस मॉलिक्यूल के लिए जो प्रोटोन होते हैं वो उसी के डेल्टा पीपीएम, उसी पीपीएम वैल्यू पे आते हैं, ये एक एडवांटेज है। अगर सब पे अलग अलग आ रहे होते तो फिर कोई फायदा नहीं था, फिर उतने ही ज्यादा रेफरेंसेस भी चाहिए होते, हर बार आपको ये भी बताना पड़ता है कि ये वाला हम इंस्ट्रूमेंट इस स्ट्रेंथ का यूज कर रहे हैं तब इतना आ रहा है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, तो दो तरीके के स्केल होते हैं केमिकल शिफ्ट के, एक ये डेल्टा स्केल है ये वाला, और एक स्केल टाउ स्केल और होता है, टाउ स्केल को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डेल्टा स्केल ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट के बारे में ये दो तीन बातें आप जानें, इसके अलावा आप देखें है क्या केमिकल शिफ्ट। तो ये फॉर्मूला केमिकल शिफ्ट का है, शिफ्ट डाउनफील्ड फ्रॉम द टीएमएस इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय द स्पेक्ट्रोमीटर फ्रिक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, ये फॉर्मूला याद रखें। अब देखिए इसका मतलब यहां पे समझने की कोशिश है, करिए इसको, इसको समझिए, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये फ्रेम में आ जाए। ओके फाइन, नाउ इट इज इन द फ्रेम आई सपोज। तो हम क्या करते हैं, इस सिग्नल पे फिक्स कर लेते हैं, ये मान लीजिए इसको हम देख रहे हैं, फिक्स नहीं कर लेते हैं, हम देख रहे हैं कि क्यों ये वैल्यू हमेशा सेम आती है। तो अगर आप 60 MHz का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं और आपका कोई एक सिग्नल जो है 360 Hz पे दिख रहा है, 60 MHz की मशीन पे, अब मेगाहर्ट्स और हर्ट्स का आप फर्क समझते हैं, इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 360 हो गया। अब इस 360 को आप यहां पुट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 360 Hz, और इसके अलावा ये आपका क्या है, मेगाहर्ट्स है, तो इसको डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिए, तो कितना आ गया 6, तो सिग्नल कितने पे आ रहा, 6 पे आ रहा है। तो आप ये मेगाहर्ट्स और हर्ट्स का कन्वर्जन, इसके लिए मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी आप इसकी चिंता ना करें। तो सीधा सा मतलब ये है कि इसमें 10^-6 का फैक्टर आता है जो मैं न्यूमेरिकल में सॉल्व करूंगा, फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए
360 मेगाहर्ट्ज की मशीन में 360 हर्ट्ज पे जो सिग्नल आया, इसको अगर हम मशीन के 60 से डिवाइड कर ले तो 6 ppm वैल्यू मिलती है। अब इसी सिग्नल को मैं 300 मेगाहर्ट्ज की मशीन में देखना चाहता हूं, 300 मेगाहर्ट्ज की मशीन में, तो जो सिग्नल मुझे 360 पे मिल रहा था 60 मेगाहर्ट्ज में, वो 300 मेगाहर्ट्ज पे मुझे मिलेगा 1800 में। ठीक है, तो अब अगर आप केमिकल शिफ्ट निकालेंगे तो 1800 हो गया, ऊपर रखा हुआ है, और स्पेक्ट्रोमीटर का फ्रीक्वेंसी 300 है मेगाहर्ट्ज, तो ये फिर 3 6 18, तो ये अभी भी 6 ppm पे है। तो आप चाहे 60 मेगाहर्ट्ज का यूज करें, चाहे 300 का, चाहे 500 का, चाहे 800 का, चाहे गीगाहर्ट्ज का, तो हमेशा सिग्नल की वैल्यू ppm में वही रहती है। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि फायदा क्या है फिर जब आपकी ये हो सकती है, तो आप रिकॉल करें जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है एक्चुअली में, क्योंकि मेगाहर्ट्ज में इसको आप टेस्ला में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो सेंसिटिविटी एनएमआर की बढ़ती जाती है, क्योंकि लोअर स्पिन स्टेट अल्फा में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ते जाते हैं, इसलिए हम इसको करते हैं सेंसिटिविटी एनहेंसमेंट के लिए। और दूसरा, सिग्नल वेल रिजॉल्व भी होते हैं। आप देखिए, अगर आपने कोई सिग्नल 360 और 240 के बीच में 10 सिग्नल देखने हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि इनमें बहुत सारे आपस में मिल जाएं, आप पहचान ना पाएं, लेकिन वही 10 सिग्नल अगर आपने 1800 और 1200 के बीच में देखने हैं तो आपको अपने अच्छे सेपरेटेड सिग्नल मिलेंगे, तो रेजोल्यूशन भी बढ़िया होगा और साथ ही साथ सेंसिटिविटी भी ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि सिग्नल अच्छा आपको नजर आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है केमिकल शिफ्ट के बारे में, और ये ppm में है। तो जितनी भी वैल्यूज यहां पे मैंने लिखी हुई है 0, 1, 2, 3 ये हैं, और हर फंक्शनल ग्रुप अपनी एक तरीके की ये जो केमिकल शिफ्ट होती है इसको शो करता है। ठीक है, इसके प्रोटॉन्स जो होते हैं, क्योंकि प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डील कर रहा हूं अभी, तो उसी की बात ज्यादा करेंगे। इसके बाद आप देखें ये स्लाइड, थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इसके लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आना जरूरी है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से केमिकल शिफ्ट आपकी चेंजेस हो सकती हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का है, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी है, या मीजोमेरिक इफेक्ट जिसको आप बोलते हैं, और एरोमेटिक रिंग करंट भी हो सकता है, स्टेरिक फैक्टर्स भी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, जिसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, रिंग करंट, हाइब्रिडाइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस किया जाए कि क्या है। तो पहले तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे आपको बता रहा हूं, और इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है तो क्या होता है मैं ये नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो कि ईडब्ल्यूजी ग्रुप्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और एक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो कि होता है ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें ना जाके मैं सीधे सीधे यहां पर आता हूं, आप इस को देखिए, ये वाला हाइड्रोजन है, मैंने इसका रेजोनेंस करवाना है, इसकी केमिकल शिफ्ट देखनी है। तो हमेशा एक बात याद रखें, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या करता है, डी शील्डिंग करता है, डी शील्डिंग, और डी शील्डिंग होगी तो सिग्नल कहां जाएगा, डाउनफील्ड। डाउनफील्ड का मतलब ये 0 ppm के आसपास ना होकर उससे दूर होगा। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं ये आपकी डाउनफील्ड शिफ्ट करते हैं, इतना आप जाने। नेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि ये डाउनफील्ड शिफ्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये डी शील्डिंग करते हैं। अब डी शील्डिंग का मतलब क्या है, देखिए यहां पे मैंने मान लीजिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाला प्रोटोन मैंने रेजोनेट करवाना है। अब मान लीजिए यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जनरली क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं। तो अगर ये अपोज करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब कम स्ट्रेंथ का मतलब कि इसने ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, और ज्यादा स्ट्रेंथ का मतलब सिग्नल अप फील्ड चला जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पे ये क्लोरीन है, ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहां से हटके यहां आ जाती है। ठीक है, अब आप देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां नहीं है तो शील्डिंग तो कर नहीं पाएंगे इसकी, यानी कि ये वाला जो इसका जो अपोज करने वाली बात है, अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे तो शील्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां है नहीं, शील्डिंग करने के लिए होने चाहिए, तो डी शील्डिंग हो जाएगी, और डी शील्ड का मतलब सिग्नल डाउनफील्ड चला जाता है, इसीलिए यहां पे लिखा है क्लोरीन डी शील्डेड द प्रोटोन, और वो डाउनफील्ड चला जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स इसके देखें, यहां से समझने की कोशिश करें, ये मॉलिक्यूल CH3X है,
और यहां पे एक्स कोई भी हेलोजन हो सकती है। ये आपका टेट्रामिथाइल सीलेन है जिसका सिग्नल मैंने 0 ppm यहां पे बताया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको जानने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि जनरल ट्रेंड क्या है, डेटा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो हाइड्रोजन है मेथेन के, इन हाइड्रोजन का क्योंकि एक ही सिग्नल आएगा, बाद में मैं बताऊंगा कि सिग्नल कैसे कितने आते हैं, स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये सब मैं बताऊंगा। फिलहाल समझे ये चार के चार प्रोटोन एक है तो एक सिग्नल आएगा, उसकी केमिकल शिफ्ट होगी 0.23 ppm। अब मैं चेंज करके इसको मिथाइल आयोडाइड कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब क्योंकि आयोडीन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा इधर को, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रहेगा नहीं तो शील्डिंग नहीं होगी, क्योंकि शील्डिंग के लिए तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि दूर चले जा रहे हैं, तो डी शील्डिंग होगी। डी शील्ड का मतलब सिग्नल डाउनफील्ड, डाउनफील्ड का मतलब हायर वैल्यू ऑफ पीपीएम। तो पहला 0.23 पे आ रहा था तो ये वाला आयोडीन की वजह से 2.16 पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह Br कर दूं तो ब्रोमीन तो आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर मैं ये वाली सिचुएशन ले लूं Br, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब की बार और ज्यादा इसकी तरफ आ जाएगा शेयर्ड पेयर, तो इसका मतलब डी शील्डिंग और ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन और दूर हट गए हैं, तो डी शील्डिंग ज्यादा का मतलब सिग्नल और डाउनफील्ड, और डाउनफील्ड का मतलब और हायर पीपीएम वैल्यू, तो देखें 2.68 पे आ गया। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते चलिए और CH3F में आइए तो फ्लोरीन तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि यह बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ घसीट लेगा, तो डी शील्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी तो सिग्नल बहुत ज्यादा डाउनफील्ड 4.26 पे आ जाएगा। इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए यहां पे एक ही क्लोरीन था तो डी शील्डिंग के लिए डी शील्डिंग की वजह से 3.05 पे आया सिग्नल। अब अगर मैं दो क्लोरीन कर दूं, जैसे ये डाइक्लोरोमेथेन है जिसको DCM बोलते हैं, एक बहुत फेमस लैब सॉल्वेंट है, लैब में अक्सर यूज किया जाता है, तो अब की बार माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन दो हैं तो डी शील्डिंग और ज्यादा होगी, डी शील्डिंग ज्यादा होने का मतलब सिग्नल और दूर जाएगा, तो देखिए 3.05 से 5.30 पे शिफ्ट हो गया। अगर मैं दो की जगह तीन कर दूं तो सिग्नल और डाउन फील्ड चला गया, देखिए 7.27। तो ऐसे डी शील्डिंग का इफेक्ट इसमें समझाया जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये चेन के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और जैसे जैसे चेन की लेंथ बढ़ती जाती है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। तो देखें यहां पे ये वाले प्रोटॉन्स को मैं रेजोनेट करवाना चाह रहा हूं, इसके लिए जो केमिकल शिफ्ट है 3.0 है क्योंकि ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच इस कार्बन से है। अब की बार मैं क्या करता हूं, देखिए यही वाले प्रोटॉन मैंने रेजोनेट करवाने, ये वाले इसको मैं देख रहा हूं, लेकिन बीच में मैंने ये ग्रुप और डाल दिया तो ये इससे दूर हो गया, तो इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ यहां रहेंगे तो शील्डिंग होगी, शील्डिंग का मतलब अपफील्ड, अपफील्ड का मतलब लोअर वैल्यू ऑफ पीपीएम, तो ये 3.30 से 1.69 आ गया। ऐसे ही मैं चेन को और बढ़ा दूं तो ये 1.25 हो जाएगा। इस तरीके से चीजें आपने समझनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको मतलब जैसे मान लीजिए यहां पे कोई sp हाइब्रिडाइजेशन भी है, फिलहाल मैं अभी मॉलिक्यूल ने परसेंट s करेक्टर की बात करूं तो इसके पास 50% s करेक्टर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन पे, और इसके पास होता है 33.33% s करेक्टर, और इसके पास होता है 25% s करेक्टर। और आपको पता होना चाहिए हाई s करेक्टर मींस हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो s करेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो आप देखें जैसे ये मेथेन मेरा यहां पर था, मेथेन में आपको मालूम है कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसके लिए जो हाइड्रोजन का सिग्नल है उसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो 0.23 ppm है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेथेन की जगह इसको एथेन कर दूं तो ये थोड़ा सा बढ़ के 0.86 हो जाती है, दोनों ही sp3 है, देखिए अब यहां पे प्लस आई इफेक्ट भी लगने लगेगा, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन इनका, लेकिन अगर मैं यही हाइड्रोजन एथिलीन में देखूं तो देखिए ये कार्बन क्या है, sp2 है, तो sp2 अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहूं कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं, ये कार्बन क्योंकि sp2 है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब अपनी तरफ ले लेंगे यहां पे, समझे, ऐसे करके,
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये अपनी तरफ लेंगे तो यहां पे अब इलेक्ट्रॉन्स इनको शील्ड करने के लिए बचे ही नहीं, शील्डिंग नहीं हो रही। शील्डिंग नहीं हो रही का मतलब डी शील्डिंग हो रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हट गए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से, एस कैरेक्टर की वजह से। ठीक है, डी शील्डिंग का मतलब डाउनफील्ड, डाउनफील्ड का मतलब हायर वैल्यू ऑफ पीपीएम। तो देखिए ये सिग्नल एथिलीन हाइड्रोजन के 5.28 ppm पे आ रहे हैं, ठीक है, जबकि यहां पे ये हाइड्रोजन एथेन में 0.86 पे ही थे। हालांकि इतना बड़ा डिफरेंस 0.86 से 5.28 ये अकेले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नहीं आता है, इस करेक्टर की वजह से, इसकी वजह से इसके लिए सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों 5.28 पे ये एग्जैक्टली आ रहे हैं, तब आप याद रखेंगे कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर है और दूसरा फैक्टर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ये आप देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है काफी, और इस तरीके के क्वेश्चन सीएसआईआर, नेट, गेट और आपके एमएससी एग्जामिनेशन में कहीं पर पूछे जा सकते हैं। तो मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी यहां पे लिखा हुआ है, तो पहले तो आप एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी का मतलब समझे। ठीक है, देखिए अगर मैं कहता हूं आइसोट्रोपी तो इसका मतलब होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल सब जगह एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, और एनाइसोट्रोपी का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल ना होकर रेंडम हो। याद रखें, देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड अगर बहुत बढ़िया सर्कुलर में सब जगह एक सा है तो ये क्या है, आइसोट्रोपी है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस तरीके से आ रहा है, यहां पे ज्यादा है बीच में फिर कम है, तो ये एनाइसोट्रोपी हो गई। तो एनाइसोट्रोपी भी केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करती है, और वो कैसे करती है इसको समझने के लिए यहां पे देखें सबसे पहली बात कि ये हो कैसे रहा है। अब देखें इधर इस मॉलिक्यूल को समझे, सिंगल बॉन्ड में पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी को। ये हाइड्रोजन्स यहां पे जुड़े होंगे, देखिए ये सारे के सारे, वन हाइड्रोजन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छठा, ये छह हाइड्रोजन है। अब आपको मालूम है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिमेट्रिकली सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये बिल्कुल स्फेरिकल वे में इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे रहते हैं, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ऊपर को ऐसे B0 एक्सटर्नल, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसका अपोज करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक फील्ड इनका अपोज करेगा, तो यहां पे ये शील्डिंग हो गई। शील्डिंग का मतलब अप फील्ड लोअर वैल्यू ऑफ पीपीएम, लेकिन बाहर की तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इस तरीके से स्फेरिकल नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो स्फेरिकल तो हो नहीं सकता। तो स्फेरिकल नहीं होने का मतलब है कि डी शील्डिंग होती है, और इसीलिए ये बाहर के प्रोटोन डाउनफील्ड हो जाते हैं। ये तो आप ऐसे समझे, लेकिन ज्यादा बेटर एग्जाम्पल यहां से समझ में आता है। देखिए ये साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है आपका, और इस साइक्लोहेक्सेन सिस्टम पे इफ यू कैन सी हेयर, दिस इज योर एक्सियल हाइड्रोजन, दिस वन इज योर इक्विटेरियल हाइड्रोजन, एंड इफ यू चेक द केमिकल शिफ्ट, अगर आप इसकी केमिकल शिफ्ट देखें, इक्विटेरियल डाउन फील्ड आ रहा और एक्सियल अप फील्ड आ रहा। देखिए इसके पीछे सीधा सा रीजन क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच का, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऐसे करके, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर है, और इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ अगर देखिए आप इसकी चेयर को कंसीडर करें, अगर ये चेयर फॉर्म बनाई है, सी इनके कंफर्मेशन पे मैं बहुत एक्सटेंसिव लेक्चर बना चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं लेक्चर सीरीज पूरी। तो चेयर फॉर्म में मान लीजिए ये चेयर है, तो चेयर में ये आपके इस तरीके से हाइड्रोजन एक्सियल वाला ऐसे आ गया एक्सिस में, नहीं यूं करके ऐसे, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है इसको शील्ड करने के लिए, तो शील्ड करेंगे तो सिग्नल अप फील्ड है, तो देखिए अप फील्ड आ रहा है, जबकि जो ये इक्विटेरियल हाइड्रोजन है देखिए ये बाहर की तरफ निकला है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो ये अपनी तरफ ही रखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहां पे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे सपोर्टिव इलेक्ट्रॉन थे शील्डिंग करने के लिए, इस हाइड्रोजन के पास नहीं है, तो शील्डिंग नहीं हो रही, तो डी शील्डिंग हो रही। डी शील्डिंग का मतलब सिंगल डाउनफील्ड, तो देखिए डाउनफील्ड जा रहा है। तो आप ये की पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, इक्विटेरियल हाइड्रोजन डाउनफील्ड सिग्नल मिलता है, और एक्सियल जो सिग्नल है वो अपफील्ड मिलता है। ठीक है, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी इसको कह सकते हैं। अच्छा देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं बताऊंगा, ये स्लाइड मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक आपके एथिलीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, यू कैन टेक दिस वन, दिस इज से CH2, दिस इज अगेन CH2, ऐसे है, इसका हमने ये डबल बॉन्ड ना बनाकर ये सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं जो इस तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए ये इस तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं,
तो ये अपर लोब है पाई बॉन्ड का, ये लोअर लोब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से आप जानते हैं। और जब भी देखिए ये कुछ इस तरीके से है, जैसे ये मॉलिक्यूल है ना, ये इस तरीके समझिए, ये जो मेरा हैंड है, फिंगर्स है, ये मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ है और इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे इसके नीचे की तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं तो इनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकल के आती हैं, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बहुत सारी होती है, हमने यहां एक ही दिखाई है। तो खास बात इसमें, खास फीचर देखिए आपको क्या नजर आ रहा, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर से आ रही है, तब तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो बी जीरो लगा है, देखिए इसका अपोज कर रही है, क्योंकि ये नीचे को है, ये ऊपर को है, ठीक है। अब यहां पे अगर हाइड्रोजन होते तो इस अपोज की वजह से वो शील्डेड होते, लेकिन यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं। लेकिन जब ये बाहर निकलकर आ रही है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे चल रही है, तो ऊपर की तरफ जाते वक्त देखिए यहां पर भी हाइड्रोजन होगा ना, ऐसे करके दो हाइड्रोजन होंगे। तो जब ये जा रही है तो देखिए इसको सपोर्ट कर रही है, रेनफोर्स कर रही है, किताबों में रेनफोर्स लिखा होता है, तो ये सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को जितनी फील्ड स्ट्रेंथ इनको रेजोनेट कराने के लिए चाहिए थी, उससे अब कम खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ इसको अंदर से भी मिल रहा मैग्नेटिक फील्ड, सपोर्टिव इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इसको सपोर्ट कर दे रहा। तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ तो लगाएगा नहीं, ये लगाएगा कम स्ट्रेंथ, लो फील्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ फील्ड, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसकी, लो फील्ड हो जाएगी, जैसा मैंने पहली कहीं स्लाइड में आपको बताया हुआ है। और लो फील्ड का मतलब देखिए, लो फील्ड लगाएगा, लो फील्ड का मतलब सिग्नल डाउन फील्ड चला जाएगा, डाउन फील्ड का मतलब हायर वैल्यू ऑफ पीपीएम। तो आप देखें ये कितने पे आ रही है, 5 से 6 PPM पे आ रहा है। तो इसके लिए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन तो रिस्पॉन्सिबल है, जैसा मैंने पहले बताया, साथ ही साथ ये सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी रिस्पॉन्सिबल है कि ये विनाइल प्रोटॉन्स जो आपके हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए को विनाइल प्रोटॉन कहते हैं, ये आप जानते हैं। तो डी शील्डिंग हो जा रही है, तो इस वजह से ये डाउनफील्ड चला जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप समझेंगे, ठीक है। तो आप समझ में आ गए कि क्यों विनाइल प्रोटॉन्स इतने पे आते हैं। इसके बाद देखिए आप दूसरा आर्ग्यूमेंट मुझसे जरूर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एसिटाइलेनिक प्रोटोन है आपके, तो थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको, ताकि ओके ये स्केल में है। तो ये वाली सिचुएशन है, देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल है, ये आपके एसिटाइलेनिक प्रोटोन है। अब देखिए वहां पे इससे पहले आप देखें सिर्फ एक डबल बॉन्ड था, तो ये 5 से 6 PPM चलेगा और sp2 हाइब्रिडाइज था। तो यहां पे तो भाई sp हाइब्रिडाइज है और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दो दो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसने तो और डाउनफील्ड जाना चाहिए। ये 5-6 पे है तो उसने 8-7-8 पे होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं 7-8 पे, देखिए ये काफी अपफील्ड है। तो इस केस में तो डी शील्डिंग हो रही थी प्रोटॉन्स की, लेकिन एसिटिलीन के केस में ये शील्डिंग होती है। शील्डिंग कैसे हो रही है, देखिए ये जो ट्रिपल बॉन्ड है यहां मैंने ऐसे सर्कुलेटिंग में बना रखा है, ये अब ये ऐसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये लगा हुआ है, ये लगाए देखिए ऊपर को, तो मैं इसको ऐसे लगा देता हूं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो अपने शेप की वजह से, अपने स्ट्रक्चर की वजह से ये ऐसे ही अलाइन हो जाता है। तो अब देखिए अब ये दोनों एक साथ ऐसे अलाइन हो गए, तो अब देखें मैग्नेटिक लाइन, देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है और ये हाइड्रोजन भी ऊपर को है। अब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब अंदर से आ रही है तो इसका अपोज कर रही है, देखिए कर रही है अपोज। अपोज करने का मतलब है कि इसने जितनी स्ट्रेंथ यूज करनी है इसको रेजोनेट कराने के लिए, उससे बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। ज्यादा यूज करने का क्यों, क्योंकि अंदर से अपोज हो जा रहा भाई, क्योंकि यही यही प्रोटॉन देखो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, बाहर होते तो डी शील्ड होते, लेकिन अंदर ये शील्ड हो जा रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन ये सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कर रही है। तो इसको अब जितनी स्ट्रेंथ चाहिए थी उससे ज्यादा लगानी है, और ज्यादा स्ट्रेंथ का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का, आपको पता है इधर की तरफ को सिग्नल जीरो की तरफ जाएगा, इनकी अप फील्ड होगा। अप फील्ड का मतलब लोअर वैल्यू ऑफ पीपीएम, देखिए 2.5 PPM है। दोबारा से अगर मैं वो सी स्लाइड को आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वही चीज तो है, लो फील्ड, यहां पे हाई फील्ड, हाई फील्ड का मतलब जीरो के क्लोज, तो देखिए ये जीरो के क्लोज 2.5 है। तो एसिटिलीन के केस में हो रही है शील्डिंग प्रोटॉन्स की, और जबकि आपके विनाइलिक प्रोटॉन्स के एल्कीन के केस में डी शील्डिंग हो रही थी प्रोटॉन्स की, क्योंकि ये बाहर थे और यहां पे ये अंदर है, ठीक है। ये सब किताबों में बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, वहां से आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि बेंजीन के प्रोटॉन 7 से 8 PPM के आसपास रेजोनेट करते हैं, तो ये तो देखिए बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि ये आपका इस तरीके से है।
तो ये हेक्सागनल रिंग है ऐसे करके, इसके ऊपर ये सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे करके ऐसे करके। तो इनकी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, देखिए सिग्नल कहाँ पे है, 7 to 8 PPM। इसका मतलब ये डाउन फील्ड है, डाउन फील्ड का मतलब तो डी शील्डिंग हुई होगी। तो ऑफकोर्स डी शील्डिंग कैसे हो रही, देखिए सारे प्रोटोन कहाँ हैं, ये बाहर की तरफ ही तो हैं, इसमें अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, ऐसे तो हैं। ये देखिए अगर यहां कहीं पे प्रोटॉन होते, जैसा कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में होता है, अंदर की तरफ आते हैं, तो वो सिग्नल बहुत ज्यादा अपफील्ड चले जाते हैं, वो नेगेटिव में भी उनकी वैल्यू आती है पीपीएम की। लेकिन यहां पे आप देखिए जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही है तो इसको सपोर्ट कर रही है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इसने यूज करना था इनको रेजोनेट कराने के लिए, अब उससे कहीं कम करना है। अब कम करने का मतलब है लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और लो वैल्यू का मतलब होता है आप देखें इस स्लाइड में, लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन सिग्नल डाउन फील्ड, डी शील्ड, डी शील्ड का मतलब हायर वैल्यू ऑफ पीपीएम। तो देखिए ये 7 to 8 PPM पे आ भी रहा बेंजीन का। तो अब पता चल गया कि बेंजीन का क्यों इतने पे आता है, एसिटिलीन का इतने पे क्यों आता है, ये सारी चीजें ठीक है। हाँ एक और आप की फीचर देख सकते हैं जो कि आपके समझने के लिए जरूरी है, एल्डिहाइड्स के जो प्रोटोन होते हैं ये आपके काफी ज्यादा डाउन फील्ड है, डी शील्डिंग बहुत ज्यादा है, 9 से 10 PPM है, बिल्कुल क्लियर है। क्यों है देखिए, यह है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और मान लीजिए यह आपका आर है, यह आपका हाइड्रोजन है, तो इसका जो सिग्नल आएगा वो 9 से 10 PPM के लिए। तो यह आपके लिए की भी है, इफ यू आर गेटिंग सिग्नल समवेयर अराउंड 9 to 10 PPM देन द एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन इज प्रोबेबल। तो अब ऐसा क्यों है, देखिए ये डबल बॉन्ड है तो ये सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन है। तो याद करिए देखिए एल्कीन के केस में जब ये एक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन था तो सिग्नल कहां पे पहुंच गया था आपका, मेरे हिसाब से 5 PPM के आसपास पहुंच गया था, देखिए 5 to 6 PPM पहुंच गया था सिर्फ इसकी वजह से। तो मान लीजिए इसकी वजह से 5 to 6 PPM पहुंच गया, तो आप कहेंगे 9 to 10 कैसे आ गया फिर भाई, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन भी तो है, ये भी तो डी शील्डिंग करेगी, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये भी इंडक्टिवली भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन यहां से दूर हटेंगे डी शील्डिंग, और ये भी डी शील्डिंग। तो दो फैक्टर है डी शील्डिंग के, दो फैक्टर है तो सिग्नल बहुत ज्यादा डाउनफील्ड चला जाता है। देखिए यहां पे बाहर को आ रहा है तो सपो यहां से देखें, ये ऊपर की तरफ को, ये ऊपर की तरफ को, तो सपोर्ट कर रहा है देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, यहां पे ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो सपोर्ट करने का मतलब है जितनी स्ट्रेंथ चाहिए थी उससे बहुत बहुत कम चाहिए होगी अब इसको, क्योंकि अंदर से सपोर्ट हो रहा, तो कम का मतलब वेरी लो वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वेरी लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फिर से उसी स्लाइड में अगर मैं आपको समझाने के लिए आऊं, बार बार मैं उसी पे आ रहा हूं, देखिए लो वैल्यू ऑफ B0, डी शील्ड, डाउन फील्ड, डाउन फील्ड का मतलब हायर वैल्यू ऑफ पीपीएम, तो आप देखिए 9 से 10 PPM के बीच में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखें मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, ये मैंने आपको देखिए एक्सप्लेन कर दिया है ना, एल्डिहाइड के कहां पर आते हैं, ये शील्डेड रीजन है, ये डी शील्डेड, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ एक ये एग्जाम्पल जो CSIR नेट के हिसाब से मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखेंगे ये पूछे जाते हैं, ये मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं एक ब्रिज्ड कंपाउंड है, इस पे फोकस करें। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात ना करके आप इस चीज को समझे, देखिए कि ये जो सिन आपका हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा 1.07 अपफील्ड है, कैसा है ये अपफील्ड, और ये जो एंटी है आपका 1.37 के आसपास, ये क्या है आपका डाउन फील्ड का मतलब है, ये आपका डाउन फील्ड है, और आपको मालूम है डाउन फील्ड का मतलब डी शील्ड, तो ये डी शील्ड हो रहा है, ये शील्ड हो रहा है। अब शील्डिंग क्यों हो रही है इसको समझे, देखिए ये जो ये सिन क्यों है पहले तो ये समझे ना, ये सिन इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट पे, जिस साइड पे डबल बॉन्ड है उसी साइड पे ये हाइड्रोजन भी है, तो ये सिन हाइड्रोजन होती है ठीक है। और सिन हाइड्रोजन के केस में आप देखें कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पे, तो जहां पर ये हाइड्रोजन है वहीं पे ये पाई इलेक्ट्रॉन भी है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है ऊपर की तरफ को ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेंगे, यानी कि ये शील्ड हो रहा है, और शील्ड का मतलब है अब उसको ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, ज्यादा स्ट्रेंथ का मतलब अप फील्ड सिग्नल लोअर वैल्यू ऑफ पीपीएम, तो ये 1.07 पे आ रहा, जबकि इस केस में देखिए कोई ऐसा डबल बॉन्ड तो है नहीं यहां पर, तो इसकी शील्डिंग नहीं होगी, शील्डिंग नहीं होगी तो दैट मीन डी शील्डिंग हो रही है, तो वो डी शील्डिंग 1.37 पे, देखिए लगभग 0.30 PPM का डिफरेंस है, हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट दिस डिफरेंस इज क्वाइट इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सिन एंड एंटी हाइड्रोजन्स इन दिस ब्रिज्ड एल्कीन सिस्टम। ओके अब आप देखें ये एक्सो और एंडो, एक चीज और याद रखेंगे, एंडो हाइड्रोजन हमेशा आपकी
अप फील्ड होती हैं तो ये हायर वैल्यू पे आती है, अप फील्ड लिख दिया, और एक्सो हाई आपकी जो होती हैं ये आपकी डाउन फील्ड जाती है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये मैंने कैसे एक्सप्लेन किया आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं पुराना एक स्लाइड ढूंढने की कोशिश करूं, ये वाला देखिए, ये सिंगल बॉन्ड की एनाइसोट्रोपी है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसके साथ लगे हुए तो ये इसको शील्ड कर रहे हैं तो अब फील्ड जा रहा है। एक वही सिचुएशन यहाँ पे तो है, देखिए ये आपके हैं इलेक्ट्रॉन इसके, और ये हाइड्रोजन है ये इसको शील्ड कर रहे हैं, शील्ड करेंगे तो भैया फील्ड जाएगा ही जाएगा। जबकि बाहर की तरफ तो कोई भी, देखिए कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां तो इलेक्ट्रॉन होने की मतलब ही नहीं, तो ये डाउन फील्ड चला जाएगा 1.57 पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर नेट और गेट के लिए, ठीक है। इसके बाद जल्दी से आगे चलते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट को मैं अभी एज सच एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इस पे जब कोई एग्जांपल्स आएंगे तो मैं वहां पे बात करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे देखिए बहुत प्रोनाउंस्ड केमिकल शिफ्ट वैल्यू है नहीं, तो ये एग्जाम्पल तो ज्यादा बेटर है नहीं, लेकिन अगला एग्जाम्पल शायद थोड़ा बेटर हो। यहां चलिए इसको देखते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट समझते हैं क्या है। ये आपके इथाइलिन और जिसको आप बोलते हैं विनाइलिक प्रोटोन्स, ये छह की चार विनाइलिक प्रोटोन्स हैं, इनका केमिकल शिफ्ट है 5.29 ppm, थोड़ा सा नीचे ले आए स्केल में, 5.29 ppm, ठीक है। ये क्यों है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया डबल बॉन्ड के क्यों होते हैं। अब मैं क्या करता हूं, देखिए इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां पे मैं एक ये कार्बोनिल COCH3 लगा देता हूं, C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहां पे ये मिथाइल विनाइल कीटोन है, इसमें क्या हो जाएगा मीजोमरिक इफेक्ट। कैसे मीजोमरिक इफेक्ट इसको समझने की कोशिश करें, ये अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा कुछ ऐसा, ऑक्सीजन नेगेटिव और ये CH3, ऐसे ये बन जाएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट ही तो है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से दूर हट रही है, जो डबल बॉन्ड है यहां पे अब प्रेजेंट नहीं है, देखिए ये दूर हट गया है, तो जब इलेक्ट्रॉन दूर हट गया है यहां पे शील्ड करने के लिए नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब डी शील्डिंग होगी, डी शील्ड का मतलब सिग्नल डाउन फील्ड जाना चाहिए। तो देखिए ये सिग्नल कितने पे है, 6.52 पे है और ये 6.11 पे है, हालांकि ये इसके बीच का डिफरेंस समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे अगर कंपेयर करें 5.29 से तो ये 6.11 6.52 है। इस मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर हट रही है, और आपको मालूम है कि मीजोमेरिक इफेक्ट भी प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो एक अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं भाई, अब की बार मैं क्या करता हूं यहां पे ये कीटोन ना लगाकर एक ईथर लगा देता हूं ना, ये आपका ईथर है तो ये आपका ऑक्सीजन रहेगा, तो इस केस में क्या होगा, देखिए ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा। हालांकि ज्यादा बेटर इसको एक्सप्लेन करना ऐसे है नहीं, तो अगर आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो आप कह सकते हैं इस पे नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर है और ये CH3 है, ऐसे करके इधर चला गया, तो इसको आप पॉजिटिव ले सकते हैं, ये इधर चला गया मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि अब ये शील्डिंग करेंगे, और शील्डिंग का मतलब सिग्नल अपफील्ड जाता है, अपफील्ड का मतलब लोअर वैल्यू ऑफ पीपीएम। तो देखिए लोअर वैल्यू ऑफ पीपीएम कितनी है, 3.74 3.93, जबकि यहां पे 5.29 थी। तो ऐसे आप इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट भी समझा सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप मीजोमेरिक इफेक्ट का देख सकते हैं, ये एनिलीन है देखिए आपका। अब देखिए इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, एनिलीन में जो ये NH2 ग्रुप लगा है इसके ऊपर लोन बेयर है, और NH2 जो आपका होता है राइट इफ इट इज इन द फ्रेम ओके, ये आपका होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, क्योंकि ये एक्टिवेटर है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसका मतलब कि जब ये ऐसे मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर आएगी, इस पोजीशन पे ऑर्थो पे आई, देखिए ऑर्थो पे यहां पे दिख रही है आपको, क्लियर है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से मान लीजिए ये वाला यहां आ गया और ये वाला यहां चला गया, तो नेगेटिव पैरा पे भी आ जाएगा, देखिए ये आ गया और ऐसे ही इस पे भी जाएगा, तो और दो ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पे मिलने का मतलब क्या है कि यहां पे शील्डिंग ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये बचाने के लिए है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे हैं, ये ऑर्थो और पैरा की हाइड्रोजन्स को, स्पेशली इन तीन हाइड्रोजन्स को शील्ड करेंगे। शील्ड करने का मतलब ये जाएंगी अपफील्ड यानी कि लोअर वैल्यू ऑफ पीपीएम, तो आप देखें 6.55 6.55 6.70 अपफील्ड, जबकि मेटा पोजिशंस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पर नहीं आ रही, तो ये
शील्डेड है। डी शील्ड का मतलब डाउनफील्ड, डाउनफील्ड का मतलब हायर वैल्यू ऑफ पीपीएम। तो देखिए 7.08, 7.08, 7.08, तो ऐसे मीजोमेरिक इफेक्ट भी आप एरोमेटिक्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मैं एरोमेटिक का आपको बता चुका हूं, तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके अलावा एक स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं होगी, बस आप इतना समझ लीजिए कि कहीं पर अगर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी तो डी शील्डिंग होती है, और डी शील्ड का मतलब सिग्नल डाउनफील्ड चला जाता है, डाउनफील्ड का मतलब हायर वैल्यू ऑफ पीपीएम, हायर पीपीएम वैल्यू। तो देखिए कैसे, ये मिथाइल है तो ये वाली हाइड्रोजन का देखना है आपने, ये आपका मिथाइलिन, ये मिथाइलिन है तो दो कार्बन है, तो क्राउडिंग यहां पे दो कार्बन कर रहे हैं और यहां पे तीन कार्बन क्राउडिंग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्राउडिंग यहां पर है, तो सबसे ज्यादा डी शील्डिंग भी यही होगी, और सबसे ज्यादा डी शील्डिंग का मतलब सबसे ज्यादा डाउनफील्ड सिग्नल मिथाइन प्रोटोन का आएगा, ठीक है, और जबकि ये वाला सबसे अपफील्ड आएगा। तो ऐसे स्टेरिक क्राउडिंग आप सिर्फ समझ सकते हैं, बाद में किसी एग्जाम्पल से बताएंगे। लास्ट इसमें आपका आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी केमिकल शिफ्ट पे बहुत फर्क डालती है, और इसीलिए आप देखें जितने भी आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं ओएच ग्रुप, ये दिक्कत करते हैं, क्योंकि ओएच ग्रुप अगर आप है तो ये 0.5 से लेके 5.0 पीपीएम तक इस ओएच की है, तो सेम ग्रुप ओएच, लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं केमिकल शिफ्ट की बहुत वेरी करती है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक एल्कोहल है, ये OH होना चाहिए, ओके, ऐसे ही ये OH होना चाहिए, ये भी OH होना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही एक OH ये होना चाहिए, तो ये तीन OH हैं। अब देखिए इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर हो जाएगी, तो यहां पे मैं ये नहीं बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए ये हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए इस प्रोटोन के लिए हो रही है। अब जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आप की नोट याद रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डी शील्डिंग होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ लंबी होती चली जाती है तो इलेक्ट्रॉन दूर हट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दूर हटते हैं तो डी शील्डिंग, डी शील्डिंग का मतलब सिग्नल डाउनफील्ड। तो अगर कोई फ्री ओएच ग्रुप है तो वो काफी अपफील्ड आएगा, 0.5 पीपीएम के आसपास देखिए फ्री ओएच ग्रुप, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड ओएच ग्रुप है तो वो फिर डाउनफील्ड चला जाएगा 5.0 के आसपास। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर हट जाते हैं इस हाइड्रोजन न्यूक्लियस से जो कि डी शील्डिंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेंथेंस द ओएच बॉन्ड, बढ़ा देती है, एंड रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटोन, कम कर देती है, जिसकी वजह से डी शील्डिंग होती है और डाउनफील्ड सिग्नल, डाउनफील्ड का मतलब हायर वैल्यू ऑफ पीपीएम जो कि ये नजर आ रही है, ठीक है, ऐसे समझे। एग्जाम्पल देखें, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक बॉन्ड ये है, लेट मी ड्रॉ दिस प्रॉपरली, एक्चुअली ऐसे करके, ऐसे ही आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एक ये भी है, ठीक है, तो ये तो परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा ये है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी है हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर आप रिकॉल करें आपने बेसिक्स पढ़े हैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास 12th में, जब आप एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़ते हैं तो ये एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है, तो ये वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखिए अगर ये वाला प्रोटोन है, इसका सिग्नल अगर आप रिकॉल करें ओएच का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सिग्नल आता है 10 से 12 पीपीएम के बीच में, बहुत ज्यादा डाउनफील्ड है। उसके पीछे रीजन क्या है, एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है जो कि जुड़ी हुई है, दूसरा ये ग्रुप भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरा है, और साथ ही साथ ये इतनी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो क्यों एसिड के प्रोटोन इतनी दूर आ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डी शील्डिंग कर रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनिल भी डी शील्डिंग कर रहा है और मेसोमेरिक इफेक्ट भी इसमें है, सभी कुछ इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए बहुत ज्यादा डाउनफील्ड चला जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखें इस केस में, ये वाला एग्जाम्पल आप नीचे देखें, ये आपका मिथाइल सैलिसिलेट है, एस्पिरिन जिसको आप बोलते हैं, तो ये आपका OH ग्रुप है, अगेन ये बॉन्ड होना चाहिए यहां पर, ये OH है और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है भाई। अब देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर है, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, ये इंटर थी, दो के बीच में थी, ये इंट्रा है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है, तो ये और ज्यादा डी शील्डिंग करती है, तो इस केस में ये OH जो है आपका 14 पीपीएम पे जाएगा, देखिए जब इंट्रा मॉलिक्यूलर है। तो ये एक की आप याद रख सकते हैं कि एल्डिहाइड के प्रोटोन 9 से 10 के बीच में, एसिड के 10 से 12 के बीच में, बेंजीन के 7.1 के आसपास रेजोनेट करेंगे,
एल्कीन वाले जो हैं वो आपके 5 to 6 के बीच में रेजोनेट करेंगे, ऐसे की याद कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा, ये बेसिक्स के लिए तो ठीक है लेकिन एडवांस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई कंपाउंड निकाला और 11 के आसपास आपको या 12 के 13 के आसपास केमिकल शिफ्ट दिखी तो आप कहेंगे OH है। ऐसा जरूरी नहीं है, वो खाली बेंजीन के हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। क्योंकि मेरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है टेलर एंड फ्रांसिस में, नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च में, उसमें जेंथॉन्स मैंने 2 नए मॉलिक्यूल आइसोलेट किए हैं, वहां पे जो OH की शिफ्ट है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से काफी नीचे चली जा रही है, जो कि फिनाइल से लगे हुए हैं, वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये बहुत आसान है कि NMR की हेल्प से आप पता कर लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। आपको मालूम है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती जाएगी, तो आप एक लो टेम्परेचर पे NMR करें किसी मॉलिक्यूल का और OH का सिग्नल देखें कहां पे आ रहा है लो टेम्परेचर पे। मान लीजिए लो टेम्परेचर पे ये नजर आ रहा है कहीं पे से 7 PPM पे, ऐसे मान लें। अब थोड़ा सा इसको हाई टेम्परेचर पे कर दें, हाई टेम्परेचर पे इसका NMR लें, और हाई टेम्परेचर पे अगर मान लीजिए ये शिफ्ट हो गया 2 PPM पे, तो अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड लेंगे। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो OH फ्री हो जाएगा, और OH अगर फ्री होगा तो उसकी केमिकल शिफ्ट अपफील्ड होने लगेगी। देखिए केमिकल शिफ्ट 0.5 है फ्री के लिए, तो अपफील्ड होने लगेगी और टेम्परेचर इस तरीके से अफेक्ट करता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे आप NMR स्पेक्ट्रम लीजिए, वहां से भी आपको पता चल जाता है कि कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं NMR की हेल्प से कि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। तो गाइज ये लेक्चर मेरा केमिकल शिफ्ट के बारे में था, और कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली मैंने इसको हिंदी में बनाने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो देखें इसको और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मेरे लेक्चर्स के रिगार्डिंग मिलता रहे। ठीक है, तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।